अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुहाना की दुनिया। तो यहाँ से मैं अपनी रूटीन आपसे शेयर करने लगी हूँ आज की। आपकी बहन रोजा रख कर यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई, और यूनिवर्सिटी वालों को बिल्कुल शर्म नहीं है कि रोजे में बच्चों को बुलाते हैं। यहाँ मैंने कहा नाते वगैरह सुन लेते हैं, और यहाँ पे आपकी बहन क्लास में पहुंच चुकी है। यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म हो गया था, लेकिन हमारी नेक्स्ट जो क्लास थी वो लैब थी, तो हम लैब में आ गए, वाटर ले लिए, क्योंकि जिक्सम और वाटर का ही काम था सारा। तो बस वो सारा जो टीचर बता रही थी हम वही सब कुछ कर रहे थे। यहाँ फ्रेंड पानी निकाल ली थी, सब मिलकर दो दो बंदे ना पियर बना के सारा काम कर रहे थे। बल इक्वल ना मेहनत करनी थी सबको, तो बस ये वाला काम इतना मुश्किल होता है, अगर थोड़ा सा भी खराब हो जाए तो बस हो गया काम। ये कोई 3-4-5 दफा बनाने के बाद जाके सही बनता है, और रोजे की हालत में ये हमसे ना मजदूरी वाला काम करवा रहे हो। मतलब यहाँ पे ये काम करने के बाद मुझे फील हो रहा था कि मजदूर कितना काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं वो। यहाँ आपकी बहन ने और कुलसुम ने मिलकर इतना अच्छा हार्ट बनाया ना कि मजा आ गया। यहाँ पे हमारी हो गई थी छुट्टी। बस यहाँ पे मैं अपनी कार की तरफ जा रही थी, और आप धूप देख सकते हैं। इस हालत में इसने मेरा बड़ा साथ दिया, ये मैं साथ लेकर आती हूँ, इससे बहुत फायदा होता है। आने के बाद मैंने चेंज किया, और उसके बाद मम्मा ने कहा जाओ सब्जियाँ लेकर आ जाओ अफतारी के लिए, उनको कुछ कुछ सब्जियाँ चाहिए थी, बस मैं वो लेने आ गई। मुझे अच्छा आइडिया है क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ नहीं, तो बस मैं उनसे वही बता रही थी ये वाला निकालें वो वाला निकालें, बस जल्दी से सब्जी लेते और काम करते। अच्छी अगर भिंडी आई हुई तो वो भी लेते हैं, ये भिंडी लेते हैं, आधा किलो भिंडी भी देते हैं। आधा किलो। और उसके बाद मैं रॉयल मार्ट आ गई थी कि अफ्तारी में एक डिश मुझे बनानी थी, तो बस वो सामान लेने के लिए मैं आ गई। चना चाट मुझे बनानी थी, तो मुझे पापड़ी चाहिए थी, मसाला चाहिए था, बस जल्दी जल्दी से सारा सामान लिया, साथ ही साथ ना दही चाहिए था वो ले लिया मैंने। और यहाँ पे मैं घर आई हूँ, मैं पूरी रेसिपी नहीं ले सकी क्योंकि टाइम कम था, मुझे ये था कि टाइम ज्यादा ना हो जाए। और ये स्पेशल चीज थी कि मसाला मैंने ये वाला घर पे बनाया था। इतनी देर में सामने बेल बजी तो नेबर्स के घर से बिरयानी भी आ, माशाल्लाह आता ही रहता है, हमारे नेबर्स बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे जो चने थे वो आराम से बॉईल हो चुके हैं, मैं जल्दी से डाल रही हूँ इसके अंदर। पर मैंने सब चीजें मिक्स कर ली, और हमारी माशाल्लाह से चाट रेडी हो चुकी है, जो बहुत ही मजे की बनी थी। तारी कर फ्रेंड के पास चले गए थे, तो कि फ्रेंड ने कहा था कि आज बाहर कहीं चलो मुझे लेकर, तो बस मैं उसे लेने आ गई, मैं इसका वेट कर रही हूँ, वो जैसे निकलेगी तो फिर हम चलते हैं। दिन से मिली भी नहीं थी, उसने कहा था मुझे मिलो मिलो। खुशी होती है ना कि काफी दिनों बाद जब आप दोस्त से मिलते हो, उसके पास भी बिल्कुल टाइम नहीं होता, मेरे पास भी टाइम नहीं होता, बस बहुत मुश्किल से हम जब मिलते हैं तो बातें करते हैं और आपस में फुल एंजॉय करते हैं, तो वो करने गए। क्रिकेट में इतने ज्यादा मच्छर हो गए, तो उसके लिए ना सिस्टर ने कोई ट्रिक निकाली थी उनको मारने के लिए, तो बस वही कर रही थी। ये पता नहीं नई नई चीजें, कुछ ऐसा हुआ है कि मम्मा गई है किचन सहरी बनाने के लिए, और गैस बिल्कुल नहीं आ रही। मम्मा ने कहा जाओ बाहर जाके कर लो, तो सहरी करने आए, सब कुछ बंद है, लेकिन ये वाली शॉप को हमने ना नॉक किया कि कोई है, तो उन्होंने कहा जी हमें, हमने कहा प्लीज हमें बिरयानी बनाकर दे दें, तो उन्होंने कहा चले बना देते, लेकिन 30 से 40 मिनट्स लगेंगे। और सहरी खत्म होने के लिए सिर्फ 50 मिनट थे, तो 40 मिनट बाद जब ये बनकर आई तो लास्ट 10 मिनट्स थे जिसमें हमें ये खानी थी, और साथ ही साथ ये इतनी ज्यादा गर्म थी। बच्चे बच्चे सहरी करने आए थे, तो इसलिए हमने कहा जो मिल रहा है खा लेते हैं, हम बिरयानी में भी गुजारा कर लेंगे, इवन हमें बाद में प्यास भी लगे तो। वो बेचारे भी जल्दी जल्दी कर रहे हैं, उनको भी सहरी करनी है, 10 मिनट में पहले बिरयानी को ठंडा करना है फिर खाना, तो ये बड़ा ही मजे का सीन हो गया था। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, अपनी बहन के 4K सब्सक्राइबर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।